सबसे पहले हम देखें कि सदका कहते किसी मेरे भाई सदका।, सदका जो है अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने में कुवत पाई जाती है सद, सिद्क के माने में क्या पाया जाता है कुवत ताकत सच बोलना ये बड़े हिम्मत का काम होता है आपके पास हिम्मत है कुवत है मुखालिफ से बातिल से लड़ने का दम है तभी आप सच बोलते हैं अगर आपके पास कुत नहीं है तो आप भी जो है गोल मोल करके निकल जाते हैं सच बोलने की हिम्मत नहीं होती सदका वही करता है जिसका आखरत पर यकीन होता है कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो मेरा रब मेरे सदके को कबूल करेगा आखिरत में इसका अजर अल्लाह ताला हमें देगा इस यकीन के साथ आदमी सदका करता है उसी से सदका से माखूज है असदकतु इसका मतलब यह होता है कि अल्लाह इज़्ज़त के रास्ते में अपने माल को अल्लाह की कुर्बत के लिए खर्च करना अल्लाह के तकरुब के लिए अपने माल को क्या करना खर्च करना सदका जो है आम नवाफिल के लिए बोला जाता है और उसी की एक शक्ल है सदका जारिया जो इंशाल्लाह हम बयान करेंगे सदका जारिया किसको कहा जाता है एक शक्ल उसकी है वरना सदका जो है माल का जो सदका है माल अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मर्जी के लिए खर्च करना सदका कहलाता है सदका कुरान में आप देखेंगे सदका और सदकात कुरान क़रीम में दोनों जगह पर सूरह तोबा में अल्लाह इज़्ज़त ने जकते मफरूजा के लिए भी इस्तेमाल किया है अल्लाह के नबी वसल्लम को कहा गया खुद मिन अमाल सदकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के माल से जकत लीजिए आप जक़ात लेकर के उनको पाक कर देंगे और इसके जरिए उनका आप तस्किया कर देंगे और कुरान ने जहां पर जकत मफरूजा के मसार बयान की फर्ज जक़त कहां कहां खर्च की जाएगी वहां पर अल्लाह ने सदक़ात ही कहा इन नबका पूरी आयत करीमा जकत मफरूजा फ़करा के लिए मसाकिन के लिए जो काम करते हैं उसके लिए उन, उनके लिए और पूरी आठ लोगों की मसारिफ की लिस्ट अल्लाह ने वहां पर बयान किए सदकत का यहां पर लेकिन अमूमी तौर पर यह बात हमारे यहां हम मारूफ है कि जब सदका बोला जाए तो सदका से मुराद आम सदकात होते हैं आपने किसी गरीब की मदद कर दी किसी मोहताज को आपने खिला दिया किसी को आपने कपड़ा पहना दिया किसी का आपने जो है माली तान कर दिया कोई परेशान हाल था उसकी परेशानी को आपने दूर कर दिया कोई मखरूज था उसका कर्जा आपने अदा कर दिया कोई किसी भी हाल में जो है क्या बोलते हैं आपका मोहताज था आपके माल का मोहताज था आपने उसको अता कर दिया ये आम सदकात आपने मोहताजों को दे दिया साहिल को दे दिया यतीमों को दे दिया बेवाओं को दे दिया आपने बस जरूरत पड़ी आपने खर्च कर दिया ये आम सदकात है और अमूमन लोग सदका इसी को कहते हैं और इसकी एक शक्ल होती है जो सदका जारिया कहलाती है जिसको हम दूसरा नाम वक्फ का देते हैं उसको हम वक्फ बोलते हैं वक्फ कर देना वक्फ की कई शक्लें हैं इंशाल्लाह भी जो है हमारे सामने आएंगी और जब जकत बोला जाता है तो जकत से हम लोग क्या जानते हैं जकत मफरूजा जो अल्लाह इज्जत ने हमारे मखसूस मालों के अंदर फर्ज किया है एक खास निसाब के पहुंचने के बाद एक खास मखसूस तादाद मखसूस मकदार उसकी निकाली जाती है उसको हम ज़कात बोलते हैं तो यह फर्क लोग करते हैं वरना हकीकत में सदका का लफ्ज हमने कहा जकत मफरूजा के लिए भी इस्तेमाल होता है और आम सदक़ात के लिए भी क्या होता है वो इस्तेमाल होता है